हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थ्री बेटा, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे रिवीजन के लिए। तो ऑब्जेक्टिवल टाइप क्वेश्चन यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन, जैसे सही विकल्प चुने। एक क्वेश्चन होता है जिसके चार ऑप्शंस दिए होते हैं, चार विकल्प दिए होते हैं, और हमें उसमें से उसका जो है एक विकल्प जो उसका सही उत्तर है उसे हमें ढूंढ करके उस पर टिक करना होता है या फिर उसे हम राइट करते हैं। तो यह जो है पाठ जो है इस आप लोगों को पढ़ाया गया है कि आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली, चूहे की दिल्ली यात्रा। पाठ का नाम है चूहे की दिल्ली यात्रा। तो ये पाठ आप लोगों को रीडिंग कराया जा चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए है ये, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है कि चूहा बड़े सेठ के घर से क्या लाया था। आप लोगों ने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो चूहा जो है बड़े सेठ के घर से क्या लेकर के आया था, छाता, छड़ी, पगड़ी या फिर धोती। तो पाठ में क्या लेकर के आया था बड़े सेठ के घर से, पगड़ी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पगड़ी। ये चूहा बड़े सेठ के घर से पगड़ी लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे ने चूहिया को किसके लिए सावधान किया। यानी कि चूहा जो जब दिल्ली जाता है तो वह चूहिया को सावधान करके जाता है, तो किस चीज़ के लिए सावधान करके जाता है। बिल से बाहर नहीं जाने के लिए, मटर मूंग नहीं खाने के लिए, शिकार नहीं करने के लिए, या सभी चीज़ के लिए, ठीक है। तो चूहा जो है चूहिया से क्या कहता है कि बिल से बाहर नहीं जाना, ठीक, बिल से बाहर नहीं जाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क, यानी कि बिल से बाहर नहीं जाने के लिए सावधान किया, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे ने किसे पाजी बताया है। चूहा जो है अपनी फैमिली को बताता है, अपने परिवार को बताता है, पाजी, पाजी शब्द का यूज वो करता है, तो किसके लिए करता है, किसको वह पाजी बताता है। ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, आदमी और किसान। चूहा किसे पाजी बताता है, सही आंसर क्या है, बिल्ली को। चूहा जो है बिल्ली को पाजी बताता है कि बिल्ली जो है बड़ी पाजी है, मक्कार है, वह हरदम घात लगाए बैठी रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा दिल्ली क्यों जा रहा था, ठीक है। तो क्यों जा रहा था वह, घूमने, प्रधानमंत्री से मिलने, आज़ादी का झंडा फहराने, आज़ादी का जश्न देखने। तो चूहा का दिल्ली जाने का जो मेन रीज़न था वह था आज़ादी का जश्न देखने। चूहा दिल्ली क्यों जा रहा था, चूहा दिल्ली जा रहा था आज़ादी का जश्न देखने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा दिल्ली आकर किससे मिलना चाहता था। ठीक है, चूहा जब दिल्ली आता है आज़ादी का जश्न देखने तो वह किससे मिलना चाहता था। ऑप्शन है राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रकवि से, या सभी से। तो इसका सही ऑप्शन है कि चूहा दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहता था, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन से, प्रस्तुत कविता के कवि हैं, यानी कि जो पाठ है चूहे की दिल्ली यात्रा, इस कविता के कवि कौन हैं। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ हमारी पोयम ख़त्म होती है उसके लास्ट में उसके कवि का नाम लिखा हुआ है, तो कौन है, मैं रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि प्रस्तुत कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग मन लगा कर पढ़िए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। थैंक यू।